नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कर्ण जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कल वाले होमवर्क क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन था कि यूपी सरकार में किस कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर का कोरोना काल निधन हो गया है। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन बी, चेतन चौहान। मोस्टली स्टूडेंट्स के द्वारा राइट आंसर दिया गया है और उसके बारे में डिटेल से भी लिखा गया है। तो ये जो चेतन चौहान है, ये भारत के ओपनर बल्लेबाज भी रह चुके हैं और चेतन चौहान ने टीम इंडिया के लिए 1969 से 1978 के बीच जो है 40 टेस्ट खेले थे और इसमें उन्होंने 31.54 की औसत से 284 रन बनाए थे। उनका जो बेस्ट स्कोर है ये 97 रन कर रहा है और चेतन जो चौहान है, इनका जन्म 21 जुलाई 1947 को हुआ था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट से साल 1991 में अमरोहा में चुनाव लड़े और वहां से जहाँ सांसद चुने गए थे। तो दोस्तों, ये थे हमारे कल के जो होमवर्क क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये जो विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है, ये किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 मार्च, 19 अगस्त या 15 अप्रैल। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 19 अगस्त। 19 अगस्त को जाइए विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो उनका नाम बताना है। तो हाल ही में जो हमारे चुनाव आयुक्त थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इनका जो नाम है ये क्या है? ऑप्शन है अशोक लवासा, सुनील अरोड़ा, ओम प्रकाश रावत या मनोज कुमार। तो ये है अशोक लवासा। राइट आंसर ऑप्शन ए, अशोक लवासा। दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर का नाम जो राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है? तो ऑप्शन है शिखर धवन, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत या हार्दिक पांड्या। तो ये हैं रोहित शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो ये जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति है, इसने जो भारतीय क्रिकेटर जो ये रोहित शर्मा है, इनका नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और क्योंकि जो एग्जाम में जो है खेल संबंधित क्वेश्चन भी जरूर आता है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक जो ADB है, इसने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन है 1500 करोड़, 2500 करोड़, 1500 करोड़ या 5500 करोड़। सी आंसर ऑप्शन सी, उसके लिए जो है 7500 करोड़ रुपये के लिए जो है फाइनेंस करने की मंजूरी दी गई है। तो कौन सा बैंक है? एशिया विकास बैंक, ADB। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति और जो विनिमय बोर्ड है SEBI, इसने किसको अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो ये जो ED है, कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन है GP गर्ग, राहुल सचदेवा, कमल त्यागी या नमन सिंह। सही आंसर ऑप्शन ए, GP गर्ग। दोस्तों, अगर आपको हमारा क्वेश्चन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बैल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नाम से एक नई जो छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये जो पढ़ाई तुहार पारा नाम से जो योजना है, ये किस राज्य की सरकार ने इसको शुरू किया है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश। तो ये जो योजना है ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सरकार ने एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है? तो कितना लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है 20, 10, 30 या 40%। तो ये जो लक्ष्य है ये रखा गया है 10% का। राइट आंसर ऑप्शन बी, 10%।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच में बाधभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड या तमिलनाडु। तो ये है गुजरात की सरकार, राइट आंसर ऑप्शन ए। तो हाल ही में जो है गुजरात की सरकार इसने भरूच में जो है बाधभूत जो नाम से जो परियोजना है इसके लिए अनुबंध प्रदान किया है। दोस्तों ये जो परियोजनाएँ होती हैं ये जो है एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन भी जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट है विश्व मानवता दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मानवता दिवस वर्ल्ड जो ह्यूमैनिटेरियन डे है ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 अगस्त, 15 अगस्त, 12 जून या 19 अगस्त। तो सही आंसर ऑप्शन बी 19 अगस्त। नेक्स्ट है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत इनमें से किस देश की सहायता कर रहा है? तो ये जो अरुण जल 3 नाम से जो जल विद्युत परियोजना है इसके निर्माण में भारत कौन से देश की सहायता कर रहा है? ऑप्शन है चीन, रूस, जापान या नेपाल। तो सी आंसर है ऑप्शन डी नेपाल। तो भारत जो है ये नेपाल देश की सहायता कर रहा है। हाल ही में जो है नेपाल के साथ भारत का कुछ जो है सीमावाद भी रहा है, लेकिन फिर भी जो है भारत जो है संबंधों को जो है सुधारने की कोशिश कर रहा है, और इस प्रकार से जो है ये भारत नेपाल देश की जो है सहायता कर रहा है। नेक्स्ट है उस वेब प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसने हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। तो कौन सा है ये? ऑप्शन है ई प्लेग्राउंड, ई फुटबॉल, ई खिलाड़ी या ई पाठशाला। राइट आंसर ऑप्शन डी ई पाठशाला। तो ये जो ई पाठशाला नाम से एक प्लेटफॉर्म जो है तैयार किया गया है जिसे हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है उस इनमें से किसने फुल स्पेक्ट्रम इंडिया अजवार 1972 से 2020 शीर्षक एक नई पुस्तक लिखी है? तो ये जो पुस्तक है किन के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है कपिल इसपुरी, आर एल भट्ट, अर्जुन सुब्रमण्यम या टाड़े ईपेटोल। तो सी आंसर ऑप्शन सी अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है फुल स्पेक्ट्रम इंडिया अजवार 1972 से 2020। तो ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए जो आपको इन क्वेश्चनों को जो है अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है जनजातीय स्वास्थ्य और जो पोषण पोर्टल है इसका नाम बताइए जो कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा भारत की जो जनजातीय आबादी है इसके स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी को एक ही मंच पर पेश करने के लिए शुरू किया है। तो कौन सा है? ऑप्शन है शक्ति, आरोग्य, जनजाति या स्वास्थ्य। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो जनजातीय स्वास्थ्य और जो पोषण पोर्टल है इसका नाम है स्वास्थ्य, जो कि जो जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय द्वारा भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और जो पोषण संबंधी जानकारी है उसको एक ही मंच पर पेश करने के लिए शुरू किया गया है। तो आपको जो इस पोर्टल का नाम याद रखना है ये है स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा बल BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये जो सीमा सुरक्षा बल है BSF इसका जो महानिदेशक है ये कौन बने हैं? ऑप्शन है अर्चना रामचंद्रम, सुरजीत सिंह देसवाल, AP माहेश्वरी या राकेश अस्थाना। तो ये बने हैं राकेश अस्थाना। राइट आंसर ऑप्शन डी राकेश अस्थाना। नेक्स्ट है व्यापार, आर्थिक और जो तकनीकी सहयोग पर भारत संयुक्त आयोग की बैठक का जो 13वां सत्र है यह दोनों देशों के बीच व्यापार आधारित सहयोग की निरंतर वृद्धि की समीक्षा करने के लिए आयोजित किया गया था। तो ये किन देशों के बीच हुआ है? ऑप्शन है ईरान, UAE, इराक या फ्रांस। तो ये है हुआ है भारत और UAE के बीच। राइट आंसर ऑप्शन बी UAE। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति और जो विनिमय बोर्ड है SEBI इसके कार्यकारी निदेशक ED के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये जो भारतीय प्रतिभूति और जो विनिमय बोर्ड है SEBI इसके कार्यकारी निदेशक और जो ED है इसके रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हर्ष कुमार भनवाला, मोहम्मद मुस्तफ़ा, GP गर्ग या RV वर्मा। तो ये है GP गर्ग। राइट आंसर ऑप्शन सी GP गर्ग। नेक्स्ट है
किस राज्य सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए एक ब्लूटूथ आधारित कार्यक्रम बुलटू के बॉल शुरू करने की घोषणा किया, जहां इंटरनेट सुविधा तक पहुंच रही है? तो ये जो बुलटू के बॉल नाम से जो घोषणा जो शुरू की गई है, तो ये किस राज्य के द्वारा इसको शुरू किया गया है? ऑप्शन है केरल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा या नागालैंड। राइट आंसर ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, पोरबंदर में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास के प्राधिकरण के द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण लैब स्थापित की गई है। तो ये जो गुणवत्ता, ये जो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा जो गुणवत्ता नियंत्रण लैब स्थापित की गई है, तो किस राज्य के द्वारा ये इसको जो स्थापित किया गया है? ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु। राइट आंसर ऑप्शन ए, गुजरात। तो गुजरात में ये जो पोरबंदर है, यहाँ से भी जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह जो पोरबंदर है ये गुजरात में है। तो गुजरात के पोरबंदर में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण लैब स्थापित की गई है। दोस्तों कई बार जो क्वेश्चन आंसर है ये जो है क्वेश्चन में ही छुपा रहता है, इसलिए आप जो क्वेश्चन होता है उसको एक या दो बार जो है अच्छे से माइंड करके पढ़ लिया करो। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जो है रियायती दरों पर लोगों को पैथोलॉजी और अन्य परीक्षण सुविधा देने के लिए राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये जो योजना है राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना, दोस्तों इस प्रकार के जो योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये जो योजना है ये किस राज्य के द्वारा इसकी घोषणा की गई है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो सही आंसर ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ के द्वारा जो इस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित ब्रिक्स एंटी ड्रग जो वर्किंग ग्रुप है, इसकी जो चौथी बैठक है इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये जो ब्रिक्स का एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप है, इसकी जो चौथी बैठक है इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? ऑप्शन है भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका या रूस। तो इसकी जो अध्यक्षता की गई है रूस के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी, रूस के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि रूस के द्वारा जो ब्रिक्स का एंटी ड्रग वर्किंग है ग्रुप, इसकी कौन सी बैठक की अध्यक्षता की गई है? तो ये जो चौथे नंबर की बैठक थी। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन जो घुमा फिरा कर भी जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों एक जो है होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन है कॉर्म जॉब ऐप, एनजीपी जॉब ऐप, बाईट के ऐप या प्रवासी रोजगार ऐप। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और आंसर के बारे में आपको जितने ज़्यादा पता उतना लिखा करें, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो वो ज़्यादा लंबे समय तक आपके माइंड में रहती है, इसलिए जिस क्वेश्चन के आंसर के बारे में जितना पता उतना आप लिखा करें। और दोस्तों अगर आपको हमारा क्वेश्चन अच्छा लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।